आइए आपको बिना टाइम वेस्ट किए बताने जा रहा हूँ कि आप ट्रेन की टिकट कैसे बुक करें। मैं आपको गोइबीबो के ज़रिए बताना जा रहा हूँ कि आप कैसे उससे टिकट बुक करें। यह है आपके सामने गोइबीबो का ये लोगो। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा होम पेज खुलता है। आप अगर ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हैं तो ट्रेन में क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ऐसा होम पेज खुलता है। आप फॉर्म में जिस जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वहां इसका स्टेशन का कोड या अगर कोड मालूम नहीं है तो फुल फॉर्म आप यहां क्लिक सबमिट करें। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कोडरमा। उसके बाद जहां तक कि आपको बुक करनी है वहां का स्टेशन कोड डालें। फिर इसके बाद डेट ऑफ जर्नी डालना है, किस तारीख को आपको जर्नी करनी है, सफ़र करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद सर्च करें, आपके सामने तमाम ट्रेनों की फहरिस्त लिस्ट नज़र आने लगेगी। मैं गंगा सतलज के ज़रिए करना चाहता हूँ, मैं स्लीपर में करना चाहता हूँ। स्लीपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा आ रहा है कितनी सीटें बाकी है, कितनी कीमत है। मैं 350 है, उस पर क्लिक करूँगा। मेरे पास यूज़र आईडी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ट्रेन ऑनलाइन बुक करने के लिए आपके पास IRCTC के ज़रिए मिलने वाली आईडी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बुक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बाद में इसकी आईडी कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल मुफ्त इसकी आईडी लेना। मेरी आईडी है, मैं अपनी आईडी यहाँ डाल लेता हूँ, प्रोसीड करूँगा। उसके बाद मेरे सामने ऐसा पेज खुल रहा है। एड न्यू अडल्ट, यहाँ जो मुसाफिर सफ़र करने वाला है उसका पूरा एड्रेस यहाँ सबमिट करना होगा। पहले नाम की एंट्री करनी होगी। मेल है तो ऊपर मेल में क्लिक करना होगा, फीमेल है तो फीमेल में क्लिक करना होगा। नाम के बाद एज भरना होगा। एज के बाद मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया ही रहने दूंगा। अगर अदर कंट्री से होता तो अदर नेशनलिटी में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम नेशनल नेम शो होने लगेंगे। मैं इतने के बाद मैं ऐड करता हूँ अपनी डिटेल को। फिर उसके बाद आप जिस नंबर पर IRCTC की मैसेज नोटिफिकेशन अपडेट चाहते हैं उस नंबर को यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद मैं यही जीमेल रहने दूंगा क्योंकि मैं इसी जीमेल पर अपनी तमाम नोटिफिकेशन चाहता हूँ। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने तमाम चीज़ें दिख रही हैं, आपका नाम, जिस तारीख पर आप डेट कर सफ़र करने जा रहे हैं और जिस ट्रेन में आप सफ़र करने चाहते हैं वो यहाँ शो हो रहा है। आप इससे फर्स्ट ट्रेन की टिकट बुक करेंगे तो 100 रुपये का डिस्काउंट होता है। मैंने वो बेनिफिट उठा लिया है। मेरे पास दूसरा है जिस पर 50 रुपये की बेनिफिट मिल रही है, लेकिन इस पर चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं। 50 रुपये मैंने अप्लाई कर लिया है जिससे मेरा 344 रुपया हो रहा है। मैं प्रोसीड करने के बाद मुझसे पूछा गया आपको याद है पासवर्ड आईडी, मुझे याद है, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए आप जिसके ज़रिए भी पेमेंट करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड, भीम UPI आप कर सकते हैं। मैंने इससे पहले डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर लिया है तो वो डेबिट कार्ड शो हो रहा है, लेकिन मैं इस बार भीम UPI से पेमेंट करना चाहूँगा। भीम UPI पर क्लिक करने के बाद मेरा ऐसा आया, मैं अपने फ़ोनपे का भीम UPI एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे पास ये कंफर्म करने के लिए आएगा, मेरा नाम शो होगा। अगर वो मेरा ही नाम होगा तो मैं उस पर ओके करूँगा, नहीं होगा तो मैं ओके नहीं करूँगा। ये मेरा ही है, मैंने ओके कर दिया, पेमेंट जारी प्रोसीड हो रहा है। मेरे फ़ोन पे में नोटिफिकेशन चल जाएगा। वहाँ नोटिफिकेशन पहुँचने के बाद आपको पे करना है, वहाँ आप पे कर देंगे, सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ आपका प्रोसेस आगे कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करें, तमाम का प्रोसेस इसी तरह है। इस पर आपको बेनिफिट मिलता है, इसीलिए मैंने गोइबीबो के ज़रिए आपको बुक करके दिखलाया। देखिए अब मेरी प्रोसेसिंग आगे बढ़ रही है। अब IRCTC से कनेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन टिकट वही प्रोवाइड कराती है।
मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद दिए गए कैप्चा कोड डालना होगा मुझे। फिर सबसे नीचे लेफ्ट की राइट की ओर जाने वाले तीर क्लिक करें या फिर नीचे करें ऊपर तो सबमिट आपको नजर आएगा, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद मेरा पूरा ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होता है, टिकट तैयार हो जाती है, ये दिख रहा है। अब यहाँ आपके तमाम टिकट डिटेल नज़र आएंगे। अब मैं बताऊंगा कि आपने जो टिकट बुक किया है वो आपका टिकट, अगर आप होम पेज पर जाते हैं फिर वह आपको कैसे वहाँ अपनी टिकट ढूंढ सकें। आप होम पेज पर पहुँच गए, आपको अपनी टिकट चाहिए तो ट्रिप्स पर को क्लिक कीजिएगा। ट्रिप्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो टिकट शो होने लगेगा। ये लखनऊ कोडरमा दिख रहा, कोडरमा लखनऊ दिख रहा है। सबसे फर्स्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी टिकट दिखने लगेगी। आप सबसे नीचे जाएंगे, प्रिंट टिकट पर क्लिक करेंगे। ये प्रिंट टिकट के ज़रिए आप प्रिंट भी, आपके पास कंप्यूटर है तो आप कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से अपने मोबाइल पर सेव भी कर सकते हैं। यहाँ आप PDF पर क्लिक करेंगे। टिकट बुक कर रखी है, लेकिन मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कैसे आप करेंगे। होम ऊपर दिख रहा है, लिखी है उस पर क्लिक करेंगे और चिप में मैं अपने घर पर DCIM में क्लिक करेंगे और मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। मेरा टिकट ऑलरेडी सेव हो चुका है। ये थी पूरी प्रोसेस। टिकट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, उसको डालने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। Thank you for watching.